यूक्रेन को अमेरिका ने बहुत सारे हथियार पहले ही दे दिए थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अमेरिका एक सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन की मदद कर रहा है और दिसंबर जनवरी में ही इसको दे दिया था। हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी है उन लोगों के पास। कैसे और क्या है ये रिपोर्ट, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यूक्रेन की को अमेरिका के सैन्य सहायता पैकेज से अधिकांश हथियार पहले ही मिल चुके हैं। इन हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी सेना को पहले ही दिया जा चुका है, यूक्रेन की सेना को। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। 12वें दिन रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले तेज कर दिए। खार्किव में कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज तीसरी बार वार्ता करेंगे। इससे पहले हुई वार्ता में सुरक्षित कॉरिडोर पर सहमति बनी है। आज होने वाली बातचीत में युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही जा रही है कि अमेरिका एक सीक्रेट एयरफील्ड से यूक्रेन की मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले पिछले हफ्ते यूक्रेन की सीमा के पास एक अज्ञात एयरफील्ड में गए थे, जो हथियारों की शिपिंग का केंद्र माना बन गया है। यानी रूस के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रहे यूक्रेन की जीवटता के पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मिले ने एयरशील्ड में सैनिकों और कर्मियों से मुलाकात की और शिपमेंट की गतिविधियों की जांच की। यह क्षेत्र अभी गतिविधि का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहां से प्रत्येक दिन मुट्ठी भर उड़ाने से लेकर अधिकतम 17 विमान उड़ाने भरते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में एंटी आर्मर मिसाइल सहित हथियारों की शिपमेंट की सुरक्षा में लगे इस एयरफील्ड का स्थान रहस्य बना हुआ है। ये रिपोर्ट अमर उजाला की है, जो अभी मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। रशिया के हमले से पहले ही पहुँचने लगी थी मदद यूक्रेन को। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने के अंत में यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले से ही यूरोप में अमेरिका और अन्य देशों के सैन्य मालवाहक विमानों का पहुँचना शुरू हो गया था। विशेष रूप से C-17 विमानों की, जो अमेरिकन एयर जो क्राफ्ट हैं, बेड़े की रीढ़ मानी जाती हैं। इन उड़ानों के जरिए नाटो के पूर्वी हिस्से में सैनिकों की तैनाती की जा रही है और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उन्हें यूक्रेन भेजा जा सके। उड़ानों की गति में भी वृद्धि हुई है। एक दूसरे रक्षा अधिकारी ने कहा है कि US यूरोपियन कमांड EUCOM यूक्रेन की मदद के लिए है और वहाँ सामग्री भेजने के लिए बड़े पैमाने पर शिपमेंट ऑपरेशन के केंद्र में है। यह समय पर समन्वय करने के लिए सहयोगी और भागीदारों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए अधिकतम दक्षता दिखाने और अपने संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए इस UAM डिलीवरी प्रक्रिया को लेकर ब्रिटेन सहित अन्य देशों की भी साथ में समन्वय कर रहे हैं। 14 देशों ने भेजी है यूक्रेन को सहायता। अभी की जो रिपोर्ट है मैं वो पढ़कर आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अधिकारी ने बताया कि जब से रूस का आक्रमण शुरू हुआ, 14 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता भेजी है, जिसमें कुछ ने पहले ही शायद ही वो सारे उपकरण भेज दिए थे। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित किए जाने के केवल एक सप्ताह बाद यूक्रेन को $350 मिलियन की अमेरिकी सुरक्षा सहायता पैकेज पहले ही भेजा जा चुका है। अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि लगभग $240 मिलियन का पैकेज यूक्रेन पहुंच गया है। बाकी दिनों और शायद हफ्तों के भीतर और पहुंच जाना चाहिए। जो सैन्य सहायता पहले से ही भेजी जा चुकी है, उसमें से सबसे आवश्यक एंटी आर्मर शामिल है, जो मैंने आपको बताया अभी, जिसका पहले इस्तेमाल यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रूसी हमलों को रोकने के लिए किया गया है। रूसी सेना को रोकने में कामयाब। अधिकारी ने कहा है कि हम सभी से बात से काफ़ी प्रभावित हुए हैं कि यूक्रेन के सशस्त्र बल हमारे उपलब्ध कराए गए उपकरणों का इतना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं कि विशेष रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव में वो उसका इस्तेमाल करके उत्तर में 40 मील की दूरी पर फैले विशाल रूसी काफिले को रोककर अब तक कामयाब रहे हैं। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हम जानते हैं कि उन्होंने रूसी काफिले पर हमले किए थे और वो हमले इस धीमा करने और उन्हें रोकने में प्रभावी रहे। अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन की सहायता के लिए भेजे जा रहे हैं जो उपकरण, उसमें से ऐसे भी हैं जिन पर यूक्रेन सेना पहले से ही प्रशिक्षण हासिल कर चुकी है। कुछ को दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में ही प्रशिक्षण मिल गया और कुशलतापूर्वक इसका उपयोग कर रहे हैं। जिस गति से अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार पहुँचा रहा है, वह सिर्फ 2 महीने पहले ही की तुलना में अधिक है। अधिकारी ने कहा कि दिसंबर के अंत में स्वीकृत $200 मिलियन के पैकेज में से अधिकांश को 1 महीने के भीतर ही भेज दिया जाएगा। हालांकि कुछ गोला बारूद अभी तक नहीं भेजे गए हैं। ये रही हमारे उजाला की रिपोर्ट, जो मैंने आपको पढ़ के बताई। ये पूरी आप अपनी स्क्रीनशॉट पे देख भी सकते हैं। मैंने आपको जो मैंने पढ़ा है सब कुछ आपको दिखा भी दिया है। ये सारी चीज़ आई है हमारे उजाला की तरफ से, कैसे एक अमेरिका के एयर सीक्रेट फील्ड उन्होंने तैयार करके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और दिसंबर जनवरी से कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है और ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले आपको थी या नहीं, इस पर भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉच। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।